अंडिया तहसील मुख्यालय में शनिवार को नर्मदा पंचकोशी पद यात्रा को लेकर एसडीएम श्रुति अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक की गई। वहीं इस बैठक में आगामी 17-18 फरवरी को होने वाली पंचकोशी पद यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई, जिसमें श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था, ठहरने, प्रकाश, पेयजल आदि के मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसके साथ ही जिस मार्ग से पद यात्रा गुजरेगी उस मार्ग को मरम्मत कार्य कराने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश से हम लोग यहाँ पे आज एक ब्लॉक लेवल स्तरीय मीटिंग करते हैं, जिसमें जो संबंधित ग्राम हैं जो कि पंचकोशी यात्रा में शामिल होते हैं, उन गांव के सरपंचों, सचिवों और संबंधित विभाग से पीएचई, एमपीवी और नगर पालिका, इन सबको हमने बुलाया था ताकि हम लोग उनसे क्या क्या व्यवस्था करनी है उसका एक जायजा ले सकें। और संबंधितों को हमने निर्देश भी दिए हैं कि प्रॉपर पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था और सुरक्षा दृष्टि से बैरिकेडिंग की व्यवस्था, ये सभी व्यवस्थाएं हो जाए, प्रॉपर लाइटिंग हो जाए ताकि किसी भी श्रद्धालु आएंगे उनको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं। नयापुरा से 2.5 किलोमीटर रोड स्वीकृत प्रधानमंत्री हुआ है, उसमें 1.5 किलोमीटर करीब बन चुका है, उसका साइड शोल्डर नहीं भराया है और बाकी गिट्टी पड़ी हुई है। साइड शोल्डर नहीं भराने के कारण दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। अभी पंचकोसी यात्रा में भारी दिक्कत आ सकती है पैदल यात्रियों को, कंक्रीट भी गड़ने की संभावना ने की। हाँ, मैंने ठेकेदार को मौखिक रूप में बताया था कि मन की भैया वो साइड शोल्डर भर दो ताकि ये यात्रियों को परेशानी ना आए।